मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां कार चालक को बस में खींचकर उसके साथ मारपीट के बाद बस से उसे धक्का दे दिया गया, जिसकी निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर कटघर थाना पुलिस ने रोडवेज बस के चालक और परिचालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कटघर थाना क्षेत्र में RTO चौराहे के पास रोडवेज बस और कार के टकराने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें कार चालक, रोडवेज चालक और परिचालक के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि रोडवेज चालक और परिचालक ने कुंदरकी निवासी कार चालक आकिब को रोडवेज बस में खींच लिया, जिसके बाद उसके साथ दोनों ने जमकर मारपीट की और उसे बस से नीचे धक्का दे दिया, जिसमें गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं इस मौत के मामले में उसके परिजनों ने कटघर थाने में अतरौली रोडवेज बस डिपो के चालक और परिचालक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। इस मामले में कटघर थाना पुलिस ने रोडवेज के चालक और परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुंदरकी के रहने वाले आकिब मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में काम करता था। वह रविवार की रात कार से अपने घर वापस लौट रहा था। इस दौरान कटघर थाना क्षेत्र में RTO चौराहे के पास कार की टक्कर रोडवेज बस से हो गई, जिसको लेकर रोडवेज बस चालक और परिचालक के साथ कार चालक आकिब की कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि रोडवेज बस चालक और परिचालक ने कार चालक की इस कदर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। कल दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को शाम 7:30 बजे के आसपास थाना कटघर को यह सूचना प्राप्त हुई कि RTO चौराहे के पास में एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और एक बस के बीच आपस में कुछ नोकझोंक वगैरह हुई है उनके चालक परिचालक के बीच। जब मौके पर जाकर के पुलिस ने तस्दीक कराया तो वहां पे ये पाया कि कार चालक जो व्यक्ति था वो घायल अवस्था में था, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। परिवार की तरफ से, जो परिजनों की तरफ से तहरीर हमें मिली है, उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि उनका बेटा, जिसका नाम आकिब है, आकिब सन ऑफ अकील अहमद, जो थाना कुंदरकी का रहने वाला है और जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष है, वो अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से मुरादाबाद से कुंदरकी की ओर जा रहा था। रास्ते में एक अतरौली डिपो की बस, रोडवेज बस में उससे उसकी गाड़ी की टक्कर हुई, साइड से टच हुई है, जिसको लेकर के परिचालक और ड्राइवर के साथ उसका विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट हुई और बाद में उन लोगों ने उसे गाड़ी में से, जब गाड़ी में भी उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और बस में से उन्होंने उसे धक्का दे दिया। इस आशय की उन्होंने हमें तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया थाना कटघर पर, आगे विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अभी तक क्योंकि कल रात ही मुकदमा लिखा है, कार्रवाई अभी हमारी प्रचलित है। बस हमें मिल गई है, बस को हमने कब्जे में ले लिया है। अब हम आगे अपना जैसे भी हमारे तथ्य सामने आते रहेंगे, हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।